न्यूज जो खबरों की तह तक जाए। ऐसा है कि ये बात सही है, इससे पूर्व गंगा जी की पवित्र शुद्धों के लिए चाहिए अति विशिष्ट जन ऐसे नहीं है। माननीय राज्यपाल इसको कई प्रकार के कारणों से उसमें महापौर महोदय अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, औद्योगिक द्रव्य है और इसके कारण गंगा अशुद्ध हुई है, खराब हुई है। और पहले के एक सिनेमा में था कि रामधरी गंगा मैली है, उसका अनुभव आज भी हम ले रहे हैं। गंगा शुद्ध होनी चाहिए, इसके लिए 1986 से प्रयास चल रहे हैं। कुछ काम हुआ है लेकिन पूरा सार्थक काम नहीं हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं और उन्होंने कई प्रकार के जो नए नए काम हाथ में लेने का तय किया है, उसमें से गंगा की शुद्धि ये एक महत्वपूर्ण काम है। उसमें ठीक प्रकार से काम हो उसके लिए एक अलग से मंत्रालय बना है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सहयोग के आधार पर ये गंगा शुद्ध और स्वच्छ होगी और जिसके कारण गंगा को हम पवित्र मानते हैं तो गंगा पवित्र हो जाएगी। आज परंपरा तो सब जगह पर ये है कि गंगा का पानी किसी के मृत्यु समीप पे मुंह में डाल दिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन आज का गंगा का पानी मुंह में डालने में हिचकिचाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये शुद्ध होगा। पिछले वर्ष हमने संकल्प लिया था यहाँ पे भूमिका में रहा है, आज इसी संकल्प को दोहराने का भूमिका में और स्वच्छ होगी और स्वच्छ होकर भारतीय संस्कृति का जीवन और समृद्ध होगा। महामहिम कानून व्यवस्था सब पत्रकार भी देख रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधरे इसलिए मुख्यमंत्री और सारे लोग पुलिस काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि ये जो बात शुरू हुई है वो तो कुछ ही दिनों में नियंत्रण में आएगी और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य में इस प्रकार का जीवन बिताने का भाग्य मिलेगा।